नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। कन्नौज से इस वक्त हमारे पास एक बड़ी खबर है। सड़क हादसे में चार लोगों की मौत की खबर है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा पेश आया है। यूपीडा का मोबाइल वैन हादसे का शिकार बना है। तेज रफ्तार ट्रक ने यूपीडा की वैन में टक्कर मार दी। जिलाधिकारी और सुप्रिंटेंडेंट पुलिस मौके पर पहुंचे हैं और ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है। बड़ी खबर कन्नौज से। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। यूपीडा की वैन को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी, चार की मौत। मोबाइल वैन हादसे का शिकार बनी यूपीडा की। इधर बागपत में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान इनामी जावेद ढेर हुआ है। बदमाश का एक साथी मौके से फरार हो गया है। दिल्ली पुलिस के सिपाही की हत्या का आरोपी था। 1 लाख का इनामी बदमाश जावेद पुलिस की मुठभेड़ में ढेर हो गया है। बदमाश का एक साथी मौके से फरार हो गया है। इधर राजधानी लखनऊ में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां तालकटोरा इलाके में विवाहिता की जलकर मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है। दहेज में गाड़ी न देने पर हत्या करने का आरोप लगाया है मृतका के परिजनों ने उसके ससुराल वालों पर। अरे मेरी लड़की को दहेज में कमी रह गई थी। सोफा 15-20 दिन हुए ना, बड़ा वाला सोफा दिया। फिर कहीं कि 2 पहियों की गाड़ी दो, हमने कहा 20 ही डाली, 2 पहियों की देंगे। फिर कहने लगे, कहने लगे कि वो पैसा दो, हमने कहा मेरे पास पैसा कहाँ है, कहने लगे। और फिर बाद में बहुत पैसों का वो करते थे, गरीब इंसान हम लोग पैसे कहाँ से ला के देते हैं, तो कहते थे तुम तो पैसे दे जाओगी जब लड़की ले जाना। जब लॉकडाउन में 5 जून को पहले कह रहे थे, पहले शानू सादा नाम है, शानू भी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश की पूर्व सपा सरकार एक बार फिर सीबीआई के निशाने पर है। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में खनन पट्टे की लीज पर दिए जाने के मामले में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट और साथ साथ 10 लोगों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सीबीआई ने आज इस मामले में 9 जगहों पर छापे मारे और इस छापेमारी के दौरान 44 अचल संपत्ति के दस्तावेज, करोड़ों रुपए के जेवरात और नकदी बरामद किए। सीबीआई का दावा है कि पूर्व जिला मजिस्ट्रेट के परिजनों के नाम पर 36 बैंक खाते और 6 लॉकर्स भी मिले। आपको बताते हैं कि सत्येंद्र सिंह कौन है, क्या क्या मिला है, पहले आप वो देख लीजिए। पुरानी करेंसी के 1 लाख रुपए लॉकर में मिले। अलग अलग शहरों में 6 लॉकर्स की जानकारी मिली है। 44 अचल संपत्तियां और 10 लाख रुपए बरामद किए गए। 51 लाख रुपए की बैंक FD के कागजात मिले। कौन है सत्येंद्र सिंह, ये जान लीजिए आप। पूर्व IAS अफसर है, सपा सरकार में खनन में हुए घोटाले के आरोपी हैं। 2 बार लखनऊ के जिलाधिकारी रह चुके हैं, दोनों बार वो LDA के VC की भी पद पर नियुक्त रहे हैं। 2012 से 2014 तक कौशाम्बी के जिलाधिकारी रहे और 31 दिसंबर 2018 को वो रिटायर हो गए। ये है परिचय रिटायर्ड IAS ऑफिसर सत्येंद्र सिंह का। और एक बड़ी खबर आ रही है, पूर्व IPS अधिकारी भवेश कुमार सिंह राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तो होंगे, ये हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। बड़ी खबर, पूर्व IPS भवेश कुमार सिंह यूपी के 4th राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तो होंगे। CMU की अध्यक्षता में पूर्व IPS के नाम पर सहमति बन गई है। 3 सदस्यीय समिति ने इस बैठक में यह फैसला लिया है, सहमति जाहिर की है पूर्व IPS भवेश कुमार सिंह के नाम पर। वो होंगे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। ये जो कमेटी थी इसको लीड कर रहे थे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और किसानों के लिए सीएम योगी की एक और सौगात, जी हां, सिंचाई विभाग की 300 परियोजनाओं को हरी झंडी मिली। 2000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना। यूपी के 42 जिलों में योजनाएं लागू होंगी। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पर इसी संबंध में कार्यक्रम आयोजित। बयालीस जिलों में यह योजना लागू होगी। मुख्यमंत्री आवास पर दोपहर 12 बजे यह कार्यक्रम होगा। सिंचाई विभाग की 300 परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई। 2000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है आज।
और ये कार्यक्रम होना है मुख्यमंत्री आवास पर दोपहर 12 बजे और लागू की जाएंगी ये योजनाएं उत्तर प्रदेश के 42 जिलों में। और उत्तर प्रदेश में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के स्कूल खोलने पर मंथन है। जी हां, केंद्र की गाइडलाइंस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। 10 दिनों में पढ़ाई शुरू करने पर विचार को कहा है। कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खुले हुए हैं। स्कूल खोलने की तैयारी में अब निजी स्कूल भी जुटे हुए हैं। शासन से आदेश मिलते ही स्कूल खोलने की तैयारी है। 3 घंटे की शिफ्ट में कक्षा को पूरा करने पर मंथन होगा। 3 घंटे की शिफ्ट में कक्षा 6 से कक्षा 8 की पढ़ाई की तैयारी है। तो शासन से आदेश मिलने का इंतजार है। और आपको बेंगलुरु लिए चलते हैं, जहां पर आज से 13वें एयर इंडिया शो की शुरुआत हुई है। बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर इसकी शुरुआत हुई। आपकी स्क्रीन पर हम 2 तस्वीरें रखे हुए हैं। ये देखिए आप, वायुवीरों का शक्ति प्रदर्शन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह में मौजूद। एयर शो की शुरुआत बेंगलुरु में, आप देखिए आधुनिक लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स की उड़ान। इस एयर शो में भारतीय सेना के ये जहाज, चाहे वो चॉपर्स हों या फिर हवाई जहाज हों, और वायुवीरों का शक्ति प्रदर्शन बेंगलुरु में, और इसके लिए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद। I am personally grateful to you all. I express my deep sense of gratitude to the Defense Minister from Maldives, who in Equatorial Guinea, Iran, Comoros, and Madagascar, who have joined this show in person, and many others who are joining virtually. I also recognize the presence of CEOs of global and Indian aerospace and defense majors. Friends, India today offers a unique opportunity in defense and aerospace manufacturing. This opportunity. तो आपने देखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद, लोगों को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। तस्वीरें आप सीधी देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन को मजबूती देने की कोशिश जारी है। इसको लेकर हरियाणा के जींद में आज महापंचायत बुलाई गई है। सर्वजातीय कंडेला खाप के चबूतरे पर यह महापंचायत होगी और इसमें भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत और राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा के जींद में यह महापंचायत। ठीक है जी, आज आप लोग जींद जा रहे हैं किसान महापंचायत में, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि गांव को इकट्ठा करेंगे, गांव में जाएंगे और ये पंचायत पूरे देश भर में इस तरह की पंचायतें सब जगह चलेंगी। जब तक भारत सरकार किसानों की बातों को नहीं मानेगी, ये पंचायतें हमारी जारी रहेगी और भी जाएंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी, जो हमारा 40 लाख ट्रैक्टरों का इकट्ठा करने का है, वो पूरे देश में जाएंगे, यात्राएं निकलेगी और भारत सरकार का पूर्ण रूप से हम विरोध करेंगे कि जो किसानों के इशू है वो बात नहीं मान रही। आपने राकेश टिकैत की मंशा क्या है, अब आपको महापंचायत से जुड़ी और जानकारी देंगे और साथ में किसान अब कैसे एक बार फिर आंदोलन को जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं ये भी बताएंगे। 3 तस्वीरें आप देख लीजिए गाजीपुर बॉर्डर पर, कैसे किसान बड़ी तादाद में मौजूद हैं। महापंचायत का ऐलान हुआ है हरियाणा के जींद में और दिल्ली पुलिस के इंतजाम भी आप देख लीजिए। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के कीले गाड़ दी गई है। तीन तस्वीरें इस आंदोलन से और किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने की दिल्ली पुलिस की तैयारियों से जुड़ी ये तीनों तस्वीरें। तीन तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर पर किसान है, महापंचायत का ऐलान हुआ है हरियाणा के जींद में, आज बड़ी महापंचायत होने वाली। और बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। मलियाबाद में घूस न मिलने पर योजना से वंचित किया गया है। जी हां, सीएम आवास योजना से वंचित करने की शिकायत दर्ज हुई है। समाधान दिवस में 18 लोगों ने जिलाधिकारी से इस बात की शिकायत की।
प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है इन 18 लोगों ने। मलियाबाद के खड़ता गांव का यह सारा मामला है। ग्राम सचिवों पर पैसे मांगने का आरोप और पैसे नहीं देने पर सभी को अपात्र घोषित करने का भी आरोप है। वीडियो मलियाबाद को जांच सौंपी गई है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा होगी। असम से बीजेपी सांसद भुवनेश्वर कलिता राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन विपक्ष की ओर से हंगामे के आसार हैं। कृषि कानूनों पर ही वो अपना पक्ष रखेंगे क्योंकि विपक्ष के नेता बोलने के लिए ज्यादा वक्त की मांग कर रहे हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का आज आयोजन। विपक्ष हंगामा कर सकता है, वो कृषि कानूनों पर ही ज्यादा फोकस चाहता है, उस पर चर्चा चाहता है, वो चाहता है कि उसे भी उनके लोगों को भी बोलने का ज्यादा वक्त मिले। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा यूपी पावर कॉर्पोरेशन के अफसरों और राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की बैठक में शामिल हुए। यहां पर उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि उपभोक्ता सेवाओं से समझौता करने वाले और बिजली उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी करने वाले लोग रडार पर हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कोई अफसर कितना भी बड़ा हो, उपभोक्ता सेवा में गड़बड़ी करने पर बचेगा नहीं, उसकी जवाबदेही तय होगी, क्योंकि पावर कॉर्पोरेशन में उपभोक्ता ही सब कुछ है और ऐसे में उनके हितों से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। दम के लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो अब तक खामियां रही हैं वो सब खामियां ना रहें और उपभोक्ता सेवाओं में कोई शिथिलता ना हो, उपभोक्ताओं को सही बिल समय पे बिल मिले। डाउनलोडेबल बिलिंग 100% बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि करार जो है वो 18 में हुआ था। सभी उपभोक्ताओं की पूरी जानकारी 8 माह के और 12 महीने के अंदर प्राप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी उसकी प्रगति बहुत धीमी है। ये बहुत गलत है, ये लापरवाही है और मैंने सभी जो हमारे MDs हैं उनको भी अपने प्रमुख सचिव ऊर्जा के माध्यम से निर्देशित किया है कि वो इस माह के अंत तक डाउनलोड लेवल बिलिंग 100% करें, आज से ही उसकी निगरानी करें। बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट में यूपी के लफ्जिया यानी धर्मांतरण अध्यादेश कानून पर सुनवाई होगी। उत्तराखंड के धार्मिक कानून पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज ही सुनवाई है। दोनों सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही नोटिस जारी किया था और आज दोनों सरकारें सुप्रीम कोर्ट में जवाब दें। आगे बढ़ते हैं। कन्नौज से खबर है, वहां पर लापरवाह लेखपाल पर जिलाधिकारी सख्त हो गए। लापरवाह लेखपाल को उन्होंने फटकारा। महिला फरियादी की शिकायत पर वही मौके पर ही उन्होंने लापरवाह लेखपाल को फटकारा है। पति की मौत के बाद महिला की सुनवाई नहीं हो रही थी। DM के जवाब मांगने पर लेखपाल को खरी खोटी सुनाई दी। 2018 में पति की मौत के बाद लेखपाल ने वसीयत ही नहीं चढ़ाई थी। जवाब मांगने पर लेखपाल ने DM को गुमराह करने की भी कोशिश की। और कानपुर में वर्चस्व की लड़ाई में आमने सामने आ गए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता। आरोप है कि हिस्ट्री शीटर अमन वर्मा ने बीजेपी नेता के साथ मिलकर सपा नेत्री के बेटे की पिटाई कर दी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है मारपीट का। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हिस्ट्री शीटर और भाजपा नेता उसे लूट के झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रच रहे थे। ये पूरा मामला बर्रा थाना इलाके के बसंत पेट्रोल पंप के पास का है। और बड़ी खबर है, 45 करोड़ हड़पने वाला बैंक का असिस्टेंट मैनेजर सस्पेंड कर दिया गया। सरकारी विभाग का 45 करोड़ की FD अवधि पूरी होने पर उसने हड़प ली। रकम को दूसरे खाते में ट्रांसफर करके गबन किया गया। असिस्टेंट मैनेजर को सस्पेंड करने के साथ ही कृष्णानगर थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया। अगली बड़ी खबर लखनऊ से। प्रदेश में बन रहे अंत्येष्टि स्थलों और राजकीय भवनों की नए सिरे से जांच होगी। अंत्येष्टि स्थलों और राजकीय भवनों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। नगर विकास विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए। कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट पर हुई घटना में कई लोगों की जान चली गई थी और अब आदेश दिया गया है कि अंत्येष्टि स्थलों की जांच की जाए। और रायबरेली में दो अलग अलग जगहों पर गाय कुएं में गिर गई।
रायबरेली में दो अलग अलग जगहों पर गाय कुएं में गिरी और ग्रामीणों की सूचना पर फायर कर्मी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू किया गया। बहुत मशक्कत के बाद गाय को कुएं से बाहर निकाला। तस्वीरें देख लीजिए आप रायबरेली से कैसे गाय को कुएं से बाहर निकाला गया। रायबरेली की तस्वीरें और अब खबर अलीगढ़ से है। यहां पर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कानून का इन्हें कोई खौफ नहीं है। यही वजह है कि बीती रात बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को चलती कार में गोली मार दी। पूरा मामला थाना लोधा इलाके के भरतपुर गांव का है। जब प्रॉपर्टी डीलर गोलू राणा दोस्त के पास जा रहे थे और तभी घात लगाए बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। हालांकि घायल प्रॉपर्टी डीलर को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बड़ी खबर है, प्रदेश में फंस गया है 28,094 स्कूलों का कायाकल्प। ग्राम पंचायत सचिवों की लापरवाही से यह कायाकल्प फंस गया है। सचिवों ने स्कूलों के कायाकल्प की फाइलें ही रोक दी हैं। महानिदेशालय स्तर की जांच में 28,094 विद्यालय चिन्हित किए गए हैं। नगर निगमों की लापरवाही से 1123 स्कूलों का कायाकल्प भी फंसा हुआ है। तो नगर निगमों की लापरवाही से, अधिकारियों की लापरवाही से स्कूलों का 28,000 से ज्यादा स्कूलों का कायाकल्प, उनका नवीनीकरण, उनका बेहतर होना फंस गया है। और काशी में बहुत जल्दी गंगा की लहरों पर आपको तैरती हुई लाइब्रेरी दिखाई देगी, यानी नौका विहार के साथ पढ़ाई का भी आनंद। इस रिपोर्ट में देखिए। ये काशी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी। कहते हैं ये महादेव के त्रिशूल पर बसी है। यहाँ के मिट्टी में, माहौल में महादेव की महिमा और महक मिली हुई है। कल तक लोग भले ही यहाँ मोक्ष की तलाश में आते रहे हों, लेकिन अब यहाँ मौज भी है, मस्ती भी है। और इसी को देखते हुए काशी की सूरत और सीरत सब कुछ बदल रही है। और ये इस बदलाव को बयां करती वानगी भी और बयान भी। ज्ञान की नगरी काशी में अब लाइब्रेरी के लिए आपको किसी विशेष स्थान पर नहीं जाना होगा, बल्कि काशी में नौका विहार करते वक्त ही आप जिस लाइब्रेरी का आनंद उठाना चाहते हों, वो लाइब्रेरी आपको गंगा की लहरों के बीच मिलने वाली है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत सरकारी प्रयास से इसे जमीन पर उतारा जाना है और इसके लिए कवायद शुरू हो गई है। वैसे यहाँ आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद बाबा विश्वनाथ की छत्र छाया में, गंगा की अविरल और शांत धारा में नौका विहार है। काशी में घाटों के किनारे दो मंजिली नौकाएं तो आपने बहुत देखी होंगी। इसे यहाँ बजड़ा भी कहते हैं। लोग यहाँ बड़े आयोजनों के समय इसे बुक करते हैं, लेकिन काशी में पर्यटन को नया आयाम देने के लिए आए दिन यहाँ नई नई पहल हो रही है। और इसी की मिसाल बजड़े पर लाइब्रेरी है। इस योजना को अमली जामा पहनाने की तैयारी है। काशी और उसका साहित्यिक इतिहास कितना पुराना है, इसे बताने की जरूरत नहीं। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पर्यटकों को लुभाने के लिए गंगा की लहरों पर तैरते हुए बजड़े किताबों, वाईफाई और दूसरी सेवाओं से लैस होंगे। देखिए, टूरिस्ट फुटफॉल होता है और जिस भी घाट पे वो रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे उसको देखने के लिए जमावड़ा लगेगा और अपने आप में एक अनूठी पहल होगी। तो हम लोग भी उत्साहित हैं और जिस तरह का फुटफॉल टूरिस्ट का होता है, उसके हिसाब से बिल्कुल इसकी ज़रूरत है और मुझे लगता है काफ़ी अच्छा एक प्रदर्शन होगा संस्कृति का। काशी में इस योजना से यहाँ के लोगों में खुशी भी है और उत्साह भी। बहरहाल ये काशी के घाट हैं। सुबह हो या शाम, समझिए यहाँ का नज़ारा अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय है। और अब यहाँ गंगा की लहरों पर तैरती हाईटेक लाइब्रेरी न सिर्फ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगी, बल्कि काशी को नई पहचान भी देगी। फिलहाल अब इंतज़ार इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए औपचारिक ऐलान का। वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
और इधर मेरठ से 40 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर वन सेंचुरी में सात समंदर पार से आई चिड़ियों को देखने के लिए त्यौहार मनाया जा रहा है। इसे बर्ड फेस्टिवल नाम दिया गया है। वन सेंचुरी में एक से बढ़कर एक पक्षी देखकर लोग हैरान हो रहे हैं। इस मौके पर बच्चों की टोली के साथ वन विभाग की टीम गंगा के छोर पर भी पहुंची। यहां दूरबीन के जरिए बच्चों और बड़ों ने गंगा नदी में अटखेलियां करते पक्षी देखे।